हेलो एवरीवन uh, मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है मैंने सिविल सेवा की 2017 की परीक्षा में एक uh, सौ स्थान प्राप्त किया और उसके बाद उसके आधार पर मुझे इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट हुआ है किस सेवा मिली है uh, मैं बिहार के जहानाबाद ज़िले का रहने वाला हूं मेरी परवरिश प्रारंभिक परवरिश मैं कह सकता हूं कि मेरी वहीं हुई है वही जहानाबाद ज़िला है जिसको हम ज़्यादातर नक्सल गतिविधियों के कारण जानते हैं वहाँ पे जो मेरा गांव था एक समय था कि वहाँ पे नक्सल गतिविधियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और आ, मुझे आज भी याद है उस समय में लगभग लग दस बारह साल का हुआ करता था तो हम सभी परिवार के लोग छत पे सोया करते थे और जब भी मेरी रात में कभी नींद टूट जाती थी तो मैं दो मुझे हमेशा एक डर का एहसास होता था कि कब कब आ, कब कोई हमला हमारे गाँव पर ना कर दे वहाँ पर उस समय स्थितियाँ बड़ी ख़राब हुआ करती थी मतलब गाँव के गाँव पूरे ख़त्म कर दिए जाते थे तो मुझे हमेशा एक डर लगा रहता था, था कि कब मेरे गांव का नंबर ना आ जाए तो वो सिचुएशंस थी इसी बीच में मुझे आज भी याद है कि मेरा प्रशासन से जब पहला वास्ता हुआ था वो उसी समय की बात है उस समय अचानक वहाँ पर सी के कैंप लगाए गए और वहाँ पर फिर मुझे याद है कि उस समय कितनी चहलकदमी होने लगी थी तो उस समय की जो यादें हैं प्रशासन की वो मेरी पहला मेरा कह सकता हूँ कि मैं प्रशासन से मेरा पहला इंट्रैक्शन था और मुझे आज भी याद है कि वो समय था कि फिर धीरे धीरे वो जो उनकी लाइट होती थी जो गतिविधियाँ होती थी तो उसके कारण मैं एक जो डर था इनर डर था वो लगभग कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था तब से स्थितियाँ काफ़ी बदली। आ, उसके बाद आ, मैं पढ़ाई करने के लिए कानपुर आ गया और मुझे याद है कि जब मैं अपने जहानाबाद में रहा करता था तो मुझे जो मेरा स्कूल हुआ करता था वो काफ़ी दूर था तो मुझे चाचा मेरे छोड़ने जाया करते थे मुझे स्कूल तो बातों बातों में ही वो हमेशा ही बात करते थे कि बेटा बड़े होकर कुछ अच्छा करना कुछ बड़ा करना और उनकी बात एक रहती थी कि मतलब कलेक्टर बनना है ना तो पढ़ाई करो तो एक चीज़ें शायद उस समय मेरे दिमाग में मुझे पता भी नहीं था कि कलेक्टर शब्द का क्या मतलब होता है लेकिन आ, आज तो मैं काफ़ी कुछ कह सकता हूँ उस संदर्भ में लेकिन उस समय की जर्नी कहीं ना कहीं वो कलेक्टर शब्द अनकॉन्सियस माइंड में मेरे बैठ गया था धीरे धीरे समय के साथ मैं वहाँ से पापा को एक कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी मिली रेलवे में और मेरा पूरा परिवार कानपुर आ गया था जिसके कारण मेरी जो आगे की पढ़ाई लिखाई है वो कानपुर में हुई है कानपुर से ही मैंने ग्रेजुएशन किया बी किया एच एक कॉलेज है कानपुर में वहाँ से मैंने बी किया और उसके बाद फिर चूँकि उस समय तक आते आते हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग सोचते हैं कि जल्दी से नौकरी लग जाए सिविल सर्विस को अचानक एक काफ़ी टफ माना जाता है तो मैंने भी मुझे इन्फोसिस में प्लेसमेंट मिला तो बस आ, मेरी उम्मीद थी कि मैं अब इन्फोसिस में जॉब करूंगा आफ्टर दो तीन साल बाद भले मैं सिविल सर्विस या फिर किसी अन्य करियर की तरफ देख सकता हूं लेकिन इसी बीच कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने मुझे सिविल सर्विस की तरफ मोड़ा जैसे मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आ, उस समय पापा ने अपनी एक ज़मीन खरीदी थी अपनी कमाई से कानपुर में छोटी सी ज़मीन थी लेकिन कुछ दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया मुझे इस बात का पापा ने पहले तो शुरुआत में नहीं बताया लेकिन जब बाद में बताया उस समय पापा मतलब काफ़ी परेशान हो चुके थे मैं भी उस समय कुछ करने की स्थिति में नहीं था फिर हम दोनों फिर किसी तरीके से एसपी सा जो एक दरबार लगा करता था एसएसपी एस, एस दरबार लगा करता था खानपुर में तो हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे अपनी परेशानी बताई और देखते ही देखते एसएसपी सर ने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं सब ठीक हो जाएगा जो अगर आपकी आ, आपका केस जेन्यूइन है तो आपको न्याय मिलेगा और उसके बाद उन्होंने वहाँ के थाने को फ़ोन किया और धीरे धीरे तुरंत काम में तेजी आ गई और मुझे मेरी ज़मीन वापस मिल गई तो उस दिन मुझे फिर एहसास हुआ मेरे शब्द में मेरे दिमाग में जो अनकॉन्शियस माइंड में वो कलेक्टेड शब्द था वो फिर से गूंजने लगा कि मुझे प्रशासनिक कार्यों में ही आना है प्रशासनिक सेवाओं में आना है और मैंने पापा से परमिशन की मांगी कि पापा मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है पापा ने सहर्ष उस समय की स्थितियाँ ऐसी थी कि कुछ सोचे बिना उन्होंने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है आप जाओ तैयारी करो और कोचिंग ज्वाइन कर लो जो भी आपका मन करता है वो करो फिर मैं दिल्ली आ गया दिल्ली में कोचिंग ली और मैंने तैयारी करने लगा आ, उस समय से काफ़ी लगभग 2012 के बाद से लगभग आज पाँच छः साल हो चुके हैं मेरे सिलेक्शन मुझे सफलता जो फाइनल सफलता मैं कर सकता हूँ अभी भी नहीं मिली है तो उस सफलता को प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा है तो इस दौरान मैंने अपने अनुभवों से काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो मेरी कमियाँ रहीं उसको मैंने हमेशा दूर करने का प्रयास किया है जब मैं दिल्ली आया तो मेरे सामने निश्चित रूप से फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा आ, उसमें मैंने मेंस दिया लेकिन बाई लक इंटरव्यू नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली वो कह सकता हूँ सेकेंड अटैम्प्ट मैंने फिर दिया 2013 में और 2013 में मेरा इंटरव्यू तक मैं पहुंचा लेकिन फाइनल में बाहर हो गया कैसे उस उस दौरान फाइनल में बाहर होने का वो इस कारण मैं इतना टूट गया था कि मैंने तैयारी से ब्रेक ले लिया और 2014 और 15 की परीक्षा मैंने नहीं दी उस समय मेरा झुकाव चुकी यहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा था और आ, घर से भी मुझे लग रहा था कि घर वालों की भी अपनी एक एक्सपेक्टेशन है मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो मैंने आ, करियर के लिए पी की तरफ ध्यान दिया और पी में 2012 की परीक्षा 2013 और 2014 की परीक्षा में लगातार मैं उत्तीर्ण हुआ 2013 की परीक्षा के आधार पर मुझे असिस्टेंट कमिश्नर मिला कॉमर्शियल टैक्स में और 2014 की परीक्षा में मुझे डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी मिला था का पद मिला था लेकिन मैंने उस सेवा को छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उसके साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। फिर 2015 के बाद मुझे लगा कि यार आ, मुझे लगा कि मैंने कुछ मेजर मिस्टेक किया है मैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ और जो एक मेरा गोल था उससे मैं कहीं ना कहीं भटक गया हूँ फिर मैंने 2016 और के बाद 2016 और 17 की परीक्षा दी 2016 की परीक्षा में आ, मुझे डिफेंस अकाउंट डिफेंस सर्विसेज मिले जिसको मैंने ऑप्ट नहीं किया फिर 2017 की परीक्षा में एक सौ स्थान मिला और जिसके आधार पर मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिला अब तक की मेरी जर्नी रही है मैं कह सकता हूँ कि बड़े उतार चढ़ाव की रही है काफ़ी कुछ असफलताओं का भी मैंने सामना किया है मेरी असफलताएं तो रहीं लेकिन मुझे हमेशा अपने पिताजी की एक कहानी याद आती थी वो मुझे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी हमेशा सुनाया करते थे कि जब एक समय एक बार चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के पास गए थे और उन्होंने कहा कि गुरुदेव जब किस्मत में सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है तो फिर कोशिश करने से क्या होगा तो चाणक्य ने बड़ा अच्छा अच्छा उत्तर दिया था कि हो सकता है कि कोशिश करने से ही मिलेगा किस्मत में ऐसा ही लिखा हो तो वो चीज़ें मैंने भी इंटरनलाइज की मैं कह सकता हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा लेकिन मैंने एक चीज़ जो थी मेहनत उस पर हमेशा बल दिया और अपनी मेहनत को बनाए रखा चाहे किसी भी स्थिति में हो और मैं कह सकता हूँ कि यू के एग्ज़ाम में नाइन्टी परसेंट तो आपका जो योगदान रहता है वो आपके लेबर का है आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे जितने मन से जितने डेडिकेशन से मेहनत करेंगे आप उतनी जल्दी सफल हो जाएंगे ठीक है तो मैं ये कहूँगा कि उसके बाद की जो जर्नी रही है मेरी जो कुछ कमियाँ रही अपनी जर्नी में मैं बताना चाहूँगा लाइक like, तैयारी के दौरान मैं कह सकता हूँ कि शुरुआती चरणों में मैं जो जैसे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं मैंने वो नहीं पढ़े इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर की तरफ मैंने बहुत कम ध्यान दिया और इसके अलावा जो जैसे लिखने की प्रैक्टिस होती है टेस्ट सीरीज हमारी तरह मतलब उस समय क्या स्थिति ऐसी थी कि बहुत कम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते थे मैं भी उन्हीं में से था तो ये सब कुछ कमियाँ थी जिनको मैंने लगातार समय के साथ इम्प्रूव किया और अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया अपनी स्ट्रेटजी में लाइक जैसे मेरी जब 2015 में मेरी शादी हुई तो उस समय मेरी पत्नी थी उनका इंग्लिश मीडियम था तो हम दोनों मिलकर तैयारी करते थे तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनकी अच्छी थी और कुछ चीज़ें मेरी अच्छी थी फिर हम दोनों ने मिलकर एक नई स्ट्रेटजी बनाई और उन पर काम करना शुरू किया और मन से वो काम किया जो सफलता आज रंग ला रही है कुछ लोग कहते हैं कि इतना समय लगा क्या ये सफलता आ, उतनी महत्वपूर्ण थी जिसके लिए इतना समय देना चाहिए था लेकिन आज आ, मैं कह सकता हूँ कि जो प्रसिद्धि मिलती है जो मान्यता मिलती है जो लोगों से सम्मान मिलता है उसके लिए ये चार पाँच साल बहुत आ, कम है अगर और भी सम, आ, समय लगता है तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए हिम्मत मत हारीिए गिवअप मत करिए और सरेंडर मत करिए कभी भी और असफलताएं जो है सबके समझ आती हैं कठिनाइयां है सबके समझ आती हैं मुझे अब्दुल कलाम जी का एक कोट आता याद आता है वो कहते थे कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयां होती हैं वो हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं बल्कि वो हमारी छुपी हुई शक्तियों और सामर्थ्य को निकालने में बाहर मदद करती हैं तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं तो भले आप सेलेक्ट होने में आपको समय लग रहा हो लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी जो पर्सनैलिटी का जो पहलू है वो लगातार इम्प्रूव होता जाता है तो मैं ही कहूँगा कि गिवअप मत करिए और अपने आपको लगातार आगे बढ़ाते रहिए एक जो अन्य पहलू है जो मैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो है कि आप तैयारी के दौरान अपने विश्वास को बनाए रखिए क्योंकि एक बड़ा मैं अच्छा हमेशा मैं कोट करता हूँ कि जब आप विश्वास करना छोड़ देते हैं किसी चीज़ पर तो वो चीज़ कही न कहीं ना कहीं आपसे दूर होती जाती है ट्रस्ट है ट्रस्ट का अगर टी हटा दिया जाए तो वो रस्ट होता है जंग होता है अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास करना छोड़ देंगे जिस दिन आपको लगने लगेगा कि ये परीक्षा मुझसे नहीं हो सकती है आपने विश्वास करना छोड़ दिया तो उस दिन आप इस परीक्षा के काबिल नहीं रहेंगे तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करिए अपनी मेहनत पर विश्वास करिए और इस परीक्षा में लगे रहिए आ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से इस परीक्षा के प्रति ही आ, इस परीक्षा के प्रति डेडिकेट होकर आप सारी चीज़ों को भूल जाइए अदर चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उन पे भी आप अपना योगदान देते रहिए खास करके अगर लोग कई बार ये पूछते हैं कि क्या मुझे कब तक आ, सिविल सर्विसेज़ में यूपीएससी में पेपर देना चाहिए यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए खास करके जब मेरा दो तीन सालों में कोई भी प्री या मिन्स नहीं निकला हो तो मैं कहूँगा कि देखिए दो तीन साल आपको एनालाइज़ करने के लिए काफ़ी समय होता है अगर आपको लगता है कि दो तीन सालों में आपका प्री मिन्स नहीं हो रहा है तो फिर आप थोड़ा सा ट्रैक चेंज करिए करें और स्टेट पी की तरफ भी देख सकते हैं लेकिन शुरुआत के दो तीन एक दो सालों तक आपको केवल यू की तरफ ही सोचना चाहिए देखिए कमियाँ हमारे अंदर ही होती हैं हम बस उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिस दिन हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीख लेंगे उस दिन आ, सारी सफलता हमारे पास आ जाएगी हम क्या करते हैं हम करते हैं कि आ, जो हमारा ध्यान होता है वो कई बार डाइवर्ट होता रहता है आ, जो मेन मुद्दा रहता है हम उससे डाइवर्ट होते जाते हैं हम लोगों ने हमेशा अर्जुन अर्जुन की कहानी सुनी है महाभारत में तो जिस तरीके से अर्जुन को केवल चिड़िया की आँख दिखती थी हमें भी उसी तरीके से केवल सिविल सेवा दिखनी चाहिए वो आई और आई का जो चार्म है वो आपके दिमाग से नहीं जाना चाहिए तो जब इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप लगातार मेहनत करते रहेंगे और इधर उधर की चीज़ों से अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने से बचाइए खास करके मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे मूवीज़ में लगे होते हैं ख़ास करके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो निश्चित रूप से एक्टिव होना गलत बात नहीं है लेकिन किसी चीज़ की अति गलत है तो इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं ज़रूरत है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की और अपनी मेहनत को आगे बढ़ाने की कभी भी गिवअप मत करिए सरेंडर मत करिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास करिए आपके माँ बाप आपके साथ आपके माँ बाप या आपके नाते रिश्तेदार जो भी होते हैं वो आपके साथ बड़ी उम्मीदें देखते हैं मुझे मतलब पिछले पाँच छः सालों में मैं कह सकता हूँ कि एक भी बार होली दीपावली और दशहरे में मैं घर नहीं गया आ, मुझे बड़ा ही अफसोस भी इस बात का होता है क्योंकि कई बार द, जब दशहरा दीपावली होती थी तो वो अक्टूबर का समय होता था और उस समय मेरे मेंस चल रहे होते थे अगर आ, इसी तरीके से जब होली होती थी तो उस समय इंटरव्यू अप्री का समय होता था तो मैं पिछले पाँच छः सालों में नहीं गया मुझे इस बात का बहुत दुख है क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं है और वो हमसे बड़ी उम्मीदें लगाए रखते हैं उनके लिए तो दशहरा भी हम ही हैं दीपावली भी हम ही हैं लेकिन वही है कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे वो हमसे बड़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं हमारे आसपास के लोग तो उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ मत जाने दीजिए मेहनत करिए विश्वास करिए और लगातार काम करते रहिए धन्यवाद